हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट बॉडी एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंग्लिश के लॉन्ग आंसर को कैसे याद करें। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल रटते हैं, जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़ेगा, उसका आंसर आपको रट कर याद नहीं करना पड़ेगा। बस क्या करना है, आपको केवल इन पॉइंट्स को फॉलो करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश के लॉन्ग आंसर, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, कैसा भी प्रश्न हो, उसको हम कैसे याद करें, बिना रटे उसको पेपर में कैसे लिख पाए, पूरे के पूरे अंक कैसे ले पाए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आंसर को रटना बंद कीजिए। कभी भी आंसर को रटा नहीं जाता है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का, चाहे हिंदी का हो, ठीक है। किसी भी आंसर को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, ठीक है। तो आज क्या करना है आपको, सबसे पहले कि आंसर को रटना बंद करना है। भले ही अभी तक आप रट कर याद करते थे, लेकिन अब आपको रटना नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि टूटी फूटी इंग्लिश में स्वयं से अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। भले ही आपको अच्छे तरीके से लिखने नहीं आ रहा है, आपको जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रश्न आया हो। अब ये आप अपने से कैसे लिख पाएंगे, जब आपको तीसरा पॉइंट जो आपका है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्या पूरे चैप्टर की कहानी आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि उन्हें वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन केवल आंसर को रटते हैं, उन्हें चैप्टर के बारे में नहीं पता रहता है कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या कहानी इसमें बताई गई है, केवल वो रट कर जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं उस चैप्टर के बारे में आपको उसकी पूरी जानकारी पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या इसमें किया गया है, तब जाकर के आप लिख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टूटी फूटी इंग्लिश में स्वयं से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप ए लेटर टू गॉड ले लीजिए जो चैप्टर है, तो उसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक में कहानी में हुआ क्या है, क्या क्या बताया गया है, तभी तो आप सबसे पहले हिंदी सोचेंगे फिर उसका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो टूटी फूटी भाषा में चाहे आपको जैसे भी है, गलत भी है थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो ये नहीं देखना चाहता है कि आपका पूरा उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए, वो ये देखना चाहता है कि बच्चे ने अपने से लिखा है। अगर बच्चा अपने से लिख कर जाएगा तो एग्जामिनर ऐसे ही नंबर देगा, वो चाहता ही है कि बच्चा अपने से लिखे। जो रट कर लिखता है तो वो भी पहचान जाता है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड का प्रयोग किया गया जो ये बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर वो जान जाता है, इसलिए क्या करना है आपको अपनी भाषा में लिखना है। मैंने भी इंटर का पेपर दिया था, मेरे इंग्लिश में 96 नंबर थे, ठीक है, और मैंने पूरा अपना जो पेपर था वो स्वयं से अपनी टूटी फूटी भाषा में लिखा था, रट कर नहीं गया था, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे क्या था, चैप्टर के बारे में पता था कि चैप्टर में कैसे कहानी बताया गया, उस कहानी को मैंने इंग्लिश में अपने ही भाषा में कन्वर्ट कर दिया, उसको लिख दिया और मेरे नंबर आ गए। तो एग्जामिनर यही चाहता है, ठीक है। तो आंसर को रटना नहीं है, अपनी भाषा में कैसे भी गलत हो सही हो जो आ रहा है लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि पूरे चैप्टर की कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो लिख पाएंगे। जब कहानी ही नहीं पता रहेगा, चैप्टर के बारे में ही नहीं जानते रहेंगे तो वहां पर लिखेंगे क्या, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहां पर है कि कोई भी अगर कठिन वर्ड आता है आपके चैप्टर में तो उसको सरल वर्ड में कन्वर्ट कीजिए, सरल वर्ड में बदलिए। क्वेश्चन ऐसे जब आप रटते हैं तो उसमें जो कठिन वर्ड रहता है उसी को रट लेते हैं और लास्ट में जब पेपर में बैठते हैं तो वहां पर भूल जाते हैं। जैसे कठिन, कठिन का क्या होता है वर्ड, डिफिकल्ट माने कठिन होता है, ठीक है, डिफिकल्ट हो गया। फिर उसके बाद और क्या होता है, डिफिकल्ट माने कठिन होता है। फिर उसके बाद हार्ड, हार्ड माने भी कठिन होता है। तो ये जो मीनिंग है ये आपको आते हैं, डिफिकल्ट शब्द हो गया, हार्ड शब्द हो गया, ये मीनिंग आपको आते हैं। लेकिन अगर कठिन का जो मीनिंग दे दिया, इनवॉल्व्ड, इनवॉल्व्ड ये मीनिंग दे दिया, तो ये तो आप पहली बार सुन रहे हैं लेकिन इसके माने भी कठिन होता है। तो ऐसे शब्दों को रिप्लेस करना है, ठीक है, और इसके स्थान पर जो आपको आता है मीनिंग उस शब्द का उसको लिखना है। जैसे आपको कठिन का डिफिकल्ट आता है, हार्ड आता है, तो इसका प्रयोग करना है, ठीक है। बात समझ में आई, क्या करना है कि जहां पर कठिन मीनिंग होगा आपके चैप्टर में उसको रिप्लेस करके आपको जो आसान मीनिंग आता है उस वर्ड का, उस शब्द का, उसको वहां पर रख देना है, वैसे आपको याद करना है और वैसे ही आपको लिखना है।
अब ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व चैप्टर में है तो वही हम लिखेंगे, नहीं, अगर दूसरा भी आपको सिनोनिम्स उसका आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसी को कहा जाता है कि टूटी फूटी भाषा में लिखिए, आपके पास जो मीनिंग है, आपने जो उत्तर याद किया, आपके जो वर्ड का मीनिंग पता है, उसका उपयोग करके लिखना है, ठीक है। तो ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, मैंने ऐसे ही लिखा था। अब देखिए आया था हमारे पास एक अनुवाद आया था, चाय का उत्पादन, उसके आगे और सेंटेंस था, चाय का उत्पादन, उसके आगे और सेंटेंस दिया गया था। लेकिन अब बताओ चाय का उत्पादन, अब उत्पादन का मीनिंग किसको आएगा, किसी को नहीं पता है। चाय का तो ठीक है टी होता है, ऑफ माने का होता है, यहां तक तो हो जाएगा, लेकिन उत्पादन का क्या करोगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो मीनिंग नहीं आएगा उसका हम हिंदी इंग्लिश में ही बनाकर लिख देंगे, जैसे उत्पादन है तो उत्पादन ही लिख देंगे UTPA करके। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे करेंगे तो आपका गलत कर दिया जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी मीनिंग लिख दीजिए, उत्पादन का पर्यायवाची। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सही ही होगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को पसंद आ जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया था, उत्पादन कहो या जन्म कहो, अपने शब्दों में हमारे लिए तो यही था, चाहे हम उसको उत्पादन कहें चाहे चाय का जन्म कहें, ठीक है, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या किया था, चाय का उत्पादन का जो मीनिंग बनाया था वो बना दिया था बर्थ, हमें पता था जन्म का बर्थ होता है, बर्थ ऑफ इसका होता है टी, ये मैंने लिख कर आया था। अब सही होगा तभी तो मुझे 96 नंबर मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, पहले हिंदी सोचना है, उसका हिंदी का इंग्लिश ऐसे बनाना है। अब उत्पादन का सोचते रह जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, उत्पादन अगर आता है तो कोई ऐसा वर्ड सोचिए जिसका मीनिंग आपको पता हो, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे उत्पादन की जगह पे मैंने जन्म रख दिया, उसी से रिलेट कर रहा है, तो बर्थ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद आपको क्या करना है, आंसर को रटना बंद करना है। अगर आप लोग इंग्लिश का आंसर रट भी लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर पेपर में जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैंने भी ऐसा किया था, मैं आंसर रट कर भी गया था, ठीक है, मैं आंसर को रट कर भी गया था पेपर में, लेकिन मैं वहां पर सब भूल गया, कुछ याद ही नहीं रहा। आधा जैसे 4-5 लाइन का मैंने रटा था तो 2 ही लाइन याद रहा। अब उसके बाद क्या करोगे, छोड़ दोगे। अगर 5 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर उसमें से मिलेगा, तो आगे क्या करना पड़ेगा, बनाकर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो, अपने ही भाषा में लिखो, गलत सही लिखो लेकिन लिखो, एग्जामिनर नंबर देगा। और कठिन वर्ड के जगह पे आप इजी वर्ड, कुछ सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने बताया कठिन का आपको क्या पता है, डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर इन्वॉल्वड वहां पर आ गया तो उसके माने तो आपको पता ही नहीं होगा, आपने पहली बार सुना है, इसीलिए वहां पर उसको रिप्लेस कर देना है। तो ऐसे आपको काम करना है। अगर इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, सभी का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। बस वो चैप्टर की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है। एक बार इसको फॉलो कीजिए, और आपके पेपर में भी अभी 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार लिखने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को कि क्या आप लिख पा रहे हैं, क्योंकि पेपर भी नजदीक आ चुका है, ठीक है। और अगर नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो अभी से लग जाइए। अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और इतने ही दिनों में आपको हर सब्जेक्ट तैयार करना है। तो इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग बिना रटे इंग्लिश के क्वेश्चंस को लिखना जान जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।